ओबीएस कहानी नंबर 40 ईसु के क्रूसा पांदे चढ़ाया जाना। ईसु रा मजाक उड़ाने ते बाद सैनिक ते से क्रूसा पांदे चढ़ाने खातर ले गए। तिनन से क्रूस तेज तेज चकवाया जिस पांदे से मरना था। सो सैनिक ईसु के तेज जगह बीच ले ही के आए जेती के खोपड़े दी जगह बोलिया जावा और तेती तिनन तेसरे हाथ पैर क्रूसा पांदे ठोकते। पर ईसु ने बोलिया, ए पिता परमात्मा, इन्हें माफ कर दे क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करने लगी रे। पिलातुस ने सैनिक आखे ईसु क्रूसा पांदे एक तख्ती लगाने का आदेश दिता और तेज तख्ती पांदे लिखिया कि ईसु यहूदियों का राजा है। तेब सैनिक ने ईसु टाले बांधने खातर आपे पीछे पर्चिया डालिया कि केस के क्या मिलना। जब तिना ने एड़ा किया तो तिना ने यह भविष्यवाणी पूरी की जिचे बोलिया गई रहा, तिना ने मेरे टाले आपे पीछे बांडी ले और तिजके पाने खातर तिज पांदे पर्चिया डालिया। जेती ईसु क्रूसा पांदे चढ़ाया गया तेती दो डाकू भी थे जो सैनिका ने तेसी समय क्रूसा पांदे चढ़ाए थे, एक ईसुरे दाएं तरफ और दूजा बाएं तरफ। तिना दोनों बीचे ते एक ने ईसुरी निंदा करी के बोलिया, अगर तू मसीह है तो आसाखे और आपी के बचाई ले। पर दूजे ने तेसके बोलिया, क्या तू परमात्मा री सजा ते नहीं डरदा? आज तो दोनों अपने बुरे काम मारी सजा पाने लगी रे, पर इन्हें कोई बुरा काम नहीं कर रखा। फिर तिने ईसु के बोलिया कि जब तू अपने राज्य विच आओगा तुम आखे याद रखा। ईसु ने जवाब दिता, तू अज ही मेरे साथ स्वर्ग विच होना। तेथे बाद यहूदी गुरु और भीड़ वाले लोग ये बोली कि ईसु की निंदा करने लगे, अगर तू परमात्मा रा पुत्त है तो आप पीछे बचा और क्रूसा पांदे तो उतरी के थाल ले आओ, ते व्यास तेरे पांदे भरोसा करूंगे। तेब दोपहर 12 बजे ते ले के 3 बजे तक पूरी देशा विच नेरा छाईगा। बेशक ये दिन का समय था, लगभग दोपहर 3 बजे तक सारी देशा विच नेरा रहा छाया। तेब ईसु ने पुकारी के बोलिया, पूरा हुआ, ए पिता परमात्मा, हम अपनी आत्मा तेरे हाथा विच देऊंगे। तेब ईसु ने सिर झुकाई के अपने प्राण छाड़ी ते। जब ईसु मरिया तो एक भूकंप आया और मंदरा रा बड़ा पर्दा जो सभी के पवित्र जगह विच जाने तो रोको था पांदे ते ले के थाले तक फटी के 2 टुकड़े होगा। अपनी मौत रे जरिए ईसु ने लोका खातर परमात्मा के जाने की बाट खोलती। जब ईसु की निगरानी करने वाले एक सैनिक ने ये सब देखा, तिने बोलिया, ये आदमी धर्मी था, सच्चे ये परमात्मा का पुत्र था। तेबे यूसुफ और निकुदेमुस नामारे 2 यहूदी गुरु आए, सो भरोसा करो थे कि ईसु ही मसीह था। तिना ने पिलातुस के जाए के ईसु का शरीर मांगया। तिना ने तेसरा शरीर चमकदार चादरी विच लपेटिया और जो कबर चट्टाना विच बनाई रखी थी तीज विच रखता और तेस कबर दरवाजे पांदे एक बड़ा सारा पत्थर रखता।